क्या परसों? पर इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे अभी के अभी सोल्यूशन चाहिए। आप प्लीज देख के बताइए, मैं आपके कॉल का वेट करूंगा। ओके फराग, राघव और पल्लवी है कहाँ? अंकल वो दोनों लॉकअप के अंदर है। लेकिन पल्लवी लॉकअप में क्या कर रही है? अंकल बहुत ही लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन अभी मुझे अर्जेंटली एक लॉयर चाहिए। वो क्या है ना कि अन्ना का लॉयर शहर से बाहर है और दूसरा लॉयर मुझे कोई मिल नहीं रहा है। अगर कल तक उन दोनों को बेल नहीं मिली तो वीकेंड की वजह से वो दोनों जेल में ही रहेंगे। तो रुक, तो रुक, शायद मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ। तू चल मेरे साथ, आजा। कितने मच्छर है यहाँ। हाँ, तुम्हारे लिए एसी, फ्रिज, मिरर सब लगाएंगे ना। ये जेल है, 5-star होटल का रूम नहीं। व्हाटएवर, रहते तो यहाँ इंसान ही है ना, कम से कम एक डिसेंट जेल तो बना ही सकते हैं ये लोग। पापा, मच्छर तो फिर भी झेल लूंगी, बस कॉकरोच या चिपकली मत भेजना यहाँ पर। लो, यहाँ लाइट भी जाती है। मल्ली करंट पोइंदी। हाँ, आए दिन लाइट का आना जाना लगा रहता है। केशव, कैंडल वेलगिच्छू। कैंडल लेके आ रहा हूँ सर। कितना है रे? क्या हुआ राघव? इसी को जेल कहते हैं पल्लवी, और मैं अपना बहन को यहाँ कैसे आने देता? जब से एक्सीडेंट का मैटर खुला है, कीर्ति एक पल का चैन का सांस नहीं ले पा रहा है। झूठ पे झूठ बोलते जा रहा है, और ऐसा लिमिट तक पहुंच गया कि वो बोल रहा है कि उसको ड्राइव करने नहीं आता। क्या? हाँ, जब अम्मा का तबियत खराब हुआ था तो मैंने कीर्ति को बोला था गाड़ी निकालने को, तो वो कह रहा था कि उसको गाड़ी चलाने नहीं आता। अभी तो इमरजेंसी सिचुएशन में भी अपना झूठ को प्रूव करने लगा है। लेकिन राघव, तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो कि कीर्ति को ड्राइव करना आता है? वो ड्राइव नहीं कर पाता तो उस रात एक्सीडेंट कैसा करता पल्लवी? मैंने खुद उसको एक्सीडेंट वाला रात ड्राइवर सीट पे देखा है। सनी, मुझे नहीं रहना इस घर में। अब अम्मा भी मेरी साइड से नहीं है, वो मुझे कभी भी अरेस्ट करवा देगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, सब बिगड़ते जा रहा है सनी। मैं सब समझ रहा हूँ कीर्ति, लेकिन सिचुएशन हमारे हाथ से निकल चुकी है। लेकिन राघव ने सरेंडर तो कर दिया, लेकिन अगर केस रीओपन हुआ ना तो सच सामने आएगा ही आएगा। हमारे पास एक ऑप्शन है, हमें कंट्री छोड़ के भागना होगा। क्या? हाँ देख कीर्ति, मेरे पास 5-7 लाख रुपए पड़े हैं, तेरे पास कितने पड़े? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, शायद अम्मा के पास कुछ सेविंग्स होंगी। कीर्ति कम से कम 10-15 लाख रुपए लगेंगे। सनी, लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? हमें कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ेगा कीर्ति, और वो भी बहुत जल्दी करना पड़ेगा। कुछ मैं जुगाड़ता हूँ, तू कुछ जुगाड़ना, ध्यान रखना अपना। राघव, क्या तुम मुझे बता सकते हो उस रात एक्चुअली क्या हुआ था? उस रात बहुत बारिश हो रहा था, हैदराबाद में पहली बार इतना बारिश हुआ। मैं किसी इंपॉर्टेंट कंसाइनमेंट के लिए डायमंड्स कलेक्ट करने को जा रहा था, तभी पुलिस ने मेरे को कॉल किया और बोला कि वेद जेल से भाग गया है। वेद जयदी ज्वेल्स के नाम पे ड्रग्स का बिजनेस कर रहा था, इसलिए मैंने उसको जेल भेजा। मेरे को मालूम था वेद मेरे से बदला लेने को जरूर आएगा, इसलिए मैंने अपना घर का सिक्योरिटी स्टाफ को बोल के रखा है घर पर नजर रखने को, और कंसाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, तभी फरहाद भी कहाँ बाहर गया था, इसलिए मेरे को खुद डायमंड्स कलेक्ट करने को जाना पड़ा। और जब मैं लौट रहा था तभी वेद मेरे पीछे पड़ गया। मेरे को उससे पीछा छुड़ाना था, इसलिए मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि वेद मेरे पीछे है। मैं पुलिस को अपना लोकेशन भी शेयर कर दिया। उन्होंने वेद को पकड़ने के लिए अपना पेट्रोलिंग वैन भेजा। कहाँ गया ये राघव? मैं वेद को ढूंढ रहा था, और तभी
मेरे को लगा वो एक्सीडेंट मेरे से हुआ है और मैं जल्दी से गाड़ी से उतर गया। हेलो, तुम ठीक है? और तब मैंने देखा सामने एक और गाड़ी थी जिसने मंदार को उड़ाया था। मैं उस गाड़ी के पास गया और तब ड्राइविंग सीट से झांकते हुए मैंने उसे देखा। कीर्ति, कीर्ति को ड्राइव करना आता है या नहीं? अगर हाँ तो अम्मा को लेकर हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? तब झूठ क्यों बोला उसने? ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो है जो सामने होकर भी दिख नहीं रहा? फिर क्या हुआ? उस टाइम तक मंदार जिंदा था पल्लवी। तुमको जानना है पल्लवी उसके बाद क्या हुआ था? हाँ। कीर्ति वहां से भाग गया और मैं मंदार के पास गया। हेलो, तुम ठीक है? मेरे को पता नहीं था लेकिन तभी वेद वहां पहुंच गया और उसने मेरे को मंदार के साथ देख लिया। ये तो मंदार देशमुख है, मैं जानता हूं इसे। तुमको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। राघव ने इसे अपनी गाड़ी से उड़ा दिया। मंदार का रिंग जो तुमको मिला वो मेरे को उसी एक्सीडेंट जगह पे मिला था। उसके बाद मैं मंदार को फौरन हॉस्पिटल लेके गया था। उस वक्त उधर का इंचार्ज डॉक्टर जानकी ने उस केस को टेक ओवर किया। मैं मंदार को दूसरे नाम से हॉस्पिटल में एडमिट किया था क्योंकि मैं उसका असली नाम नहीं जानता था, शायद राजीव नाम लिख पाया था। ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद मैं बहुत देर तक हॉस्पिटल में था। डॉक्टर जानकी मेरे को बोला कि मंदार का हालत अंडर कंट्रोल था, उसको सर पे चोट लगा था लेकिन डरने का कोई बात नहीं है। मेरे को बोला कि हॉस्पिटल में वेट करने का कोई जरूरत नहीं है और डॉक्टर जानकी मेरे साथ फोन पे टच में रहेगा। उसके बाद मैं हॉस्पिटल से निकल गया और सुबह 4 बजे के आसपास मेरे को डॉक्टर का कॉल आया। हेलो सर, जिस आदमी को आपने एडमिट करवाया था वो अभी ठीक हो गया है, उसकी फैमिली से भी कॉन्टेक्ट हो गया है और वो आकर उसे ले गए है। क्या झूठ बोल रही हो डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। Exactly, मैं भी इसी बात पे शॉक रह गया था। जब वेद मेरे को पहली बार उस एक्सीडेंट के बारे में बोला तो मैं सबसे पहले डॉक्टर को कॉल किया। मैंने उस डॉक्टर को पूछा कि वो झूठ क्यों बोल रहा है, लेकिन वो बिना कुछ बोले चले गया।
मैं आज तक सोचते आ रहा कि वो आदमी जिंदा है, पर कीर्ति उस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था। उसका सेफ्टी के लिए मैं वो गाड़ी खरीद कर गैरेज में बंद कर दिया, क्योंकि कीर्ति का नाम बाहर नहीं आना चाहिए। उस एक्सीडेंट के बाद क्या तुमने कीर्ति को कभी दोबारा ड्राइव करते हुए देखा? नहीं, शायद कीर्ति को उस एक्सीडेंट की वजह से बहुत बड़ा धक्का लगा, इसलिए वो दोबारा ड्राइव करने का कोशिश नहीं किया। सब कुछ जाने के बाद भी न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे उस रात की कोई बहुत अहम बात अब तक सामने नहीं आई, और हो ना हो उस बात का रिश्ता जरूर कीर्ति से है। हाँ सनी, कीर्ति जुगाड़ हुआ क्या? नहीं सनी, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं अपनी अम्मा की ज्वेलरी कैसे चुरा लूं? वो मेरी अप्पा की लास्ट निशानी है। कीर्ति तू पागल हो गई है क्या? ये इमोशनल होने का वक्त नहीं है। मैं टिकट्स ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ, हमें फौरन निकलना होगा वरना सड़ना जेल में। नहीं नहीं सनी, मुझे जेल नहीं जाना है। हाँ जेल नहीं जाना कीर्ति, तो फिर जल्दी पैसे लेकर आना। ठीक है, कल सुबह अम्मा नहाने जाएगी तब मैं ज्वेलरीज निकालूंगी। कीर्ति तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? सुबह पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, तुझे जो करना है अभी करना होगा। तुम टेंशन मत लो, मैं किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लूंगी सनी, लेकिन अभी मुझसे नहीं हो पाए। I'm sorry. ठीक है, ओके। पागल हो गई है। मिस्टर राघव, अभी आप शहर से बाहर नहीं जा सकते, हम आपको जब बुलाएंगे तब आपको आना होगा। ओके, आप अब जा सकते हैं। थैंक यू, हमारा इतना हेल्प किया तुम। राघव, मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। पल्लवी को कल शाम ही हमने बेल दिलवा के रिहा करा लिया था, और अब तुम्हें भी बेल मिल गई है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम दोनों ने कुछ भी नहीं किया। ये सजा सिर्फ उसे मिलनी चाहिए जिसने ये क्राइम किया है। वो कल जेल में जमीन पे सोया ना, तो पीठ पूरा अकड़ गया है। बहुत शौक था ना सरेंडर करने का, अब भुक तो। कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं कहा, लेकिन अब कहने जा रही। अपना शर्ट उतारो और बाथरूम में चलो, मैं वहीं आ रही। व्हाट, शर्ट उतार के बाथरूम में, वो भी तुम्हारे साथ? सारिका दुकान, तुम्हारा इरादा क्या है? इरादे तो मेरे बहुत नेक है, लेकिन तुम ना अपने दिमाग की दुकान को ताला लगा, क्योंकि उसमें सिर्फ भूसा भरा। ज्यादा यूज करोगे ना तो गर्मी से आग लग जाएगी। रिलैक्स, जो कह रही हो वो करो। पता नहीं क्या बोला, समझ आ।
अंदर चलो, मैं आती हूँ। Excuse me, मैं ऑलरेडी शॉवर ले चुका है और बाथरूम में पानी भी आता है, फिर तुम बाहर से पानी क्यों लेके आया? तुम ना बहुत ही इंपेशेंट हो। बैठो। मैं? बैठो। सारी का दुकान अब तुम बोलेगा भी, तुम मेरे पे कौन सा नया फॉर्मूला यूज कर रहा है? कोई नया फॉर्मूला नहीं, पुराना नुस्खा। गर्म पानी में नमक घोलकर सिकाई करने से सारी अकड़न चली जाती। बस 2 मिनट, दर्द यूं चला जाएगा। हाँ सनी, मैं बस निकल ही रही हूँ, वो ब्रेकफास्ट के चक्कर में लेट हो गया। नहीं नहीं, हाँ मैं चुपके से आ जाती हूँ, मिलती हूँ। ये बैग कहाँ गया? यही तो रखा था मैंने, गायब कैसे हो सकता है? इसे ढूंढ रही हो ना? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।